आप सभी का स्वागत है रवि जोन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे सभी किसान बहन भाइयों को मेरा राम राम। किसान भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। देखिए साथियों, आप लोग 18 तारीख से जो प्रशिक्षण ले रहे हैं, आज मैं इसमें प्रशिक्षण जो आप लिया है उसमें जो कंपोस्ट खाद कैसे बनाते हैं, मशरूम का उत्पादन करेंगे उससे पहले कंपोस्ट खाद जो बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है, अगर हमारी कंपोस्ट खाद अच्छी है तो उसके ऊपर ही निर्भर करता है कि हम कंपोस्ट खाद का उत्पादन कैसे ले सकते हैं मशरूम का। तो ये जो आपको सामान दिखाई दे रहा है, हमारे सभी लोग इधर जरा सामने आ जाएं, इधर ही आ जाएं, तो आपको ये सामान जो दिखाई दे रहा है प्रैक्टिकल का जो सबसे बड़ा अनुभव है वो आप चीज देखेंगे कि इसमें आपको सभी सामान रखे हुए दिखाई दे रहे हैं। इन सामान में क्या क्या चीजें हैं जिस जो कंपोस्ट खाद बनाने में इस्तेमाल की जाएंगी और उनको किस अनुपात में मिलाना है, इन सभी के बारे में हमारी जानकारी देने के लिए हमारे साथी जगदीश जी हैं जो इस मशरूम उत्पादन जो किया जा रहा है मनी एग्रो जो आपका गढ़ मुक्तेश्वर में है, तो उसी के एक हमारे हैं जगदीश जी, वो इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। जगदीश जी हेलो। हाँ जी सर, मैं ये कह रहा जैसे ये हमारा भूसा है, जैसे भूसा है हमारा, तो ये है एक क्विंटल के पास है, मतलब इसको पहले भिगोना है हमने, मतलब अच्छे से पूरा लीच आउट करना है इसको, और इसमें फिर क्या है हम चिकन मोर मिलाएंगे, जो मुर्गी की बिट जो है, हाँ जी ये बिट जो है ये मिलाएंगे हम 40%, मतलब 40 किलो है, 40 किलो ये मिलाएंगे इसमें, और फिर वो है हमारा यूरिया बड़ा हुआ सामने, ये जो है ये यूरिया है, इसमें यूरिया मिलाएंगे 2%, मतलब 2% यूरिया मिलेगा इसमें, और 2% ही है ये जो है चोखर है, चोखर मिलाएंगे इसमें 2% जो है चोखर है, और ये जो है खल है, बिनोले की खल है, ये मिलाएंगे 4% भिगो के मतलब अच्छे से, तो फिर इसमें मिलाएंगे हम सब, और इसमें अच्छे से करेंगे इसको मिक्सिंग करेंगे, मतलब कस्सी से कर लो चाहे या बेलचे से कर लो, और ये जो है जिप्सम है, जिप्सम मिलेगा 10, कितने परसेंट जिप्सम, जिप्सम मिला दो आप 8 से 10%, 8 से 10%, चाहे 8 किलो डाल दो चाहे 10 किलो डाल दो, तो इसको जो है मतलब अच्छे से मिक्स करके मिला के मिक्स कर देना है, मिक्सिंग करके इसे छोड़ देना है, मतलब यूरिया है, ये आपका चोकर है, ये आपकी खल है, इसको भिगाया गया है, ये मुर्गी का जो वेस्ट है बिछावन है जिसको इस्तेमाल किया गया है, ये भी बड़ा न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है इसकी, और इसके साथ साथ में ये आपका जिप्सम है, जिप्सम को जो यूज किया जाता है वो कैल्शियम के लिए और सल्फर के लिए बेसिकली यूज किया जाता है, और दूसरी साथ साथ में इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को भी बढ़ा देता है। अब ये सारी की सारी चीजें जो हमारा है, एक क्विंटल हमारा ये भूसा है, एक क्विंटल का इसलिए लिया गया कि जिससे आपको एक अनुपात समझ में आ जाए कि इसका क्या अनुपात हमको रखने की जरूरत है। इस भूसे को पहले ही हमने 24 घंटे पहले ही हमने इसको 24 से लेकर के 48 घंटे तक पहले ही भिगा के इसको रखा हुआ है जिससे कि अच्छी तरह से पानी में भीग करके तैयार हो सके। अब ये सभी सामान हमारे एक एक पेशेंट कोई आइएगा एक एक करके इसके में ये सभी सामान डालेंगे। हाँ आइए आइए भाई, इसमें संकोच नहीं, ऊपर से देखिए इसमें ये मुर्गी का जो बीट्स है वो इसमें मिलाया जा रहा है। हाँ इनको देते रहो, देखिए ऐसा नहीं कि चल तो खल जाएगी लेकिन जो न्यूट्रिटिव वैल्यू इसकी बिनोले की ज्यादा है। अच्छा हाँ ठीक है, ये देखिए लगभग इसमें ये 40% तक की हम इस्तेमाल करते हैं, तो एक क्विंटल में लगभग 40 किलो इसमें हमने मुर्गी का जो वो है बिछावन है वो इस्तेमाल वेस्ट है उसको इस्तेमाल इसमें किया गया है। इसमें ये आपका बिनोला है जो पहले से हमने भिगा के रखा हुआ है, वो उसको बिनोला को इसमें हम मिला रहे हैं जिससे कि इसके सड़ने की प्रतिक्रिया है वो तेजी हो जाए, इसकी पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाया जाए। इसके बाद में हम इसमें 2% यूरिया का भी प्रयोग करते हैं, एक क्विंटल में हम 2 किलो यूरिया इसको मिला रहे हैं
जिससे कि इसको पोषक तत्व के साथ साथ में इसके सड़ने में ये एक यूरिया है वो एक सहायक है। तो ये आप देखें कि तीन सभी चीजें एक एक करके इसमें मिलाई जा रही है। इसको हमारे सभी ट्रेनिंग ले रहे हैं वो अच्छी तरह से समझ लें कि किस तरह से मिलाया जा रहा है, क्योंकि ये खाद अक्सर करके कंपोस्ट बनाने में ही थोड़ी सी गलतियां होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। देखिए बहुत सफाई से और बड़ा उससे सभी सामानों का इसमें इस्तेमाल किया गया है। अब इसमें चोकर दीजिएगा, चोकर भी इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, ये भी 2% के हिसाब से है, लगभग 2 किलो चोकर इसमें डाल रहे हैं। इसमें कंपोस्ट जिससे कि अच्छी तरह से सभी चीजें हमारी जब तक वो करें हम 16-18-20 दिन की तब तक ये अच्छी तरह से सड़ जाए। इसलिए गेहूं का है, ये गेहूं का ये देख रहे हैं, ये गेहूं का चूगा नहीं। अब इसमें क्या कहते हैं जिप्सम, जो काफी महत्वपूर्ण ये भी एक हमारा घटक है जो इसमें मिलाया जा रहा है। जिप्सम का मैंने पहले ही बताया कि इसमें हमको कैल्शियम का भी पूर्ति करने के लिए है और सल्फर की पूर्ति करते हैं। कैल्शियम जो है हमारे पोषक तत्वों को बांधे रखने का काम करता है कैल्शियम, और इससे उसकी गुणवत्ता में सुधार होता है, जो हमारा मशरूम का उत्पादन होगा उसकी गुणवत्ता में सुधार होगा। और सल्फर जो है हमारा वो पोषक तत्वों के साथ साथ में इसमें जो फफूंदी जनित कोई बीमारी न लगे इससे भी इस हमारी मशरूम को बचाने में सहायक होगा। तो ये जिप्सम का इसमें सभी चीज़ें हमारी इसके अंदर अब डाल दी गई हैं। अब इसको जेली के माध्यम से, ये एक तरह का फावड़ा ही होता है जो तीन नुकीले इसके अंदर वो लगी रहती है जिससे कि ये आसानी से पलट जाता है, ये अब इसकी ये कार्रवाई की जाएगी। यदि इसमें जो है जी दो, यदि इसमें जो है अब हमने सब चीजें मिला दी हैं जो हमें इसमें मिलाना था, लेकिन यदि इसमें आपको लगे कि क्या नाम है पानी की कमी है, मॉइस्चर कम है, तो पलटाई के समय इसमें साथ साथ पानी हम मिलाते रहते हैं जिससे इसका मॉइस्चर जो है वो पूरा हो जाए। और हमारा जो है लगभग हम यही बाहर ही इसकी 3 पलटाई करेंगे, 3 बार मिक्सिंग करेंगे जिससे ये प्रॉपर जो भी हमने मटेरियल डाला है वो मिक्स हो जाए पूरा। ये आप समझ लीजिए इसमें बड़ा चीज क्लियर है, जो आप कंफ्यूजन कर रहे थे कि हाँ कंफ्यूजन था कि किस तरह से हम इसको करेंगे, आप इधर हो जाए। इसलिए इसका जो है ये हमारा इसकी प्रक्रिया है, और इसे जो है आप जरा तेजी में मिलाओ, इसे नीचे तक पलटाना है, ये ऐसे मिलाना है जैसे आप जो है सीमेंट और रेत जो है मिलाते हैं कि उसमें एक एक कण उसका आपस में मिक्स हो जाए, सभी चीजें पूरी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जब भी इसका मिला मिक्सिंग का पहले फिर जैसे देखो वो सर कर रहे हैं है ना, उनका बहुत हाँ 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 बस ये इसका वो फार्मूला है कि इसे जो है ये टॉपर अपना मिक्स हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर इसमें सभी चीजें भली भांति प्रकार से मिलेंगी नहीं तो कहीं पे कोई पोषक तत्व ज्यादा हो जाएगा, कहीं पे कोई पोषक तत्व कम रह जाएगा। जो हमने इसके अंदर चोकर है, यूरिया है, जिप्सम है, बिनोला है, ये सभी चीजें समान रूप से पूरे हमारा 1 क्विंटल का जो भूसा है उसमें समान रूप से उचित नमी पे मिल जाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। आप हमारे सभी जो प्रशिक्षणार्थी है वो देखें अच्छी तरह से, अगर कहीं कोई चीज को समझ में ना आ रही हो तो वो हम लोगों से पूछ सकते हैं। तैयार किया जा रहा है ये लॉन्ग विधि से बटन मशरूम के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो किसान साथियों आपने ये वीडियो देखा जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी और मनयुक एग्रो केवी के
बाबूगढ़ हापुड़ के सौजन्य से हुआ। सभी किसान भाइयों ने मशरूम के बारे में जानकारी ली। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।